जूमने ज्वालामुखी सांबर की सम्राय और कलकत्ता की कालिका तीनों ज्योत सवार हमारे ये मूर्ति पाषाण की नहीं है, ये स्वयं प्रादुर्भाव पहाड़ का हिस्सा है। अभी इन्होंने गेट बंद नहीं किया, ये देखो ये इनकी लापरवाही है। ये होते हैं छोटे बच्चे साथ में लाने का नतीजा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने मंदिर के दर्शन कराए हैं। प्रकार तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी आपकी दुआ से एक नंबर फर्स्ट क्लास हूं दोस्तों। और दोस्तों अभी इवनिंग का टाइम हो गया, 4 बज गए। तो गुड इवनिंग, राम राम सा, जय माता दी, खंबा गनी और जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी जगह दिखाने के लिए लेके आया हूँ, ऐसे माता जी का दर्शन करवाने के लिए लेके आया हूँ, जो कि है सांभर के अंदर, जो कि जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पे है और फुलेरा से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे है और सांभर से 10-15 किलोमीटर पे है। तो शाकंभरी माता के दर्शन करवाने के लिए लेके आया हूँ। और पूरे इंडिया के अंदर 3 ही मंदिर है शाकंभरी जी के, जो कि बहुत फेमस है। और आप पीछे मेरे ये नज़ारा देखो, ये पूरा नज़ारा है सांभर झील का। तो आप यहाँ भी एंजॉय कर सकते हो जैसे कि वो कर रहे हैं। और ऊपर का मौसम बारिश का हो रहा है, तो आओ तो बारिश में आना, बहुत ही मज़ा आएगा। और नवरात्रा चल रहे हैं अभी, तो क्या नवरात्रा आपको वीडियो बाद में देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखाऊंगा। और अगर वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो का आनंद लें और मौसम का भी। और यह है दोस्तों इंडिया के सबसे खारे पानी की झील, जहाँ से नमक का उत्पादन होता है और सबसे अच्छा नमक होता है। और ये दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, ये सब सांभर झील का नज़ारा है। तो एक बार यहाँ भी ज़रूर विजिट करना है। तो दोस्तों ये मज़ा है सांभर का, जो कि आप पीछे देख सकते हो सेल पे चल रही है और पीछे अपनी गाड़ी खड़ी है और ये यहाँ पे पोज दे रहे हैं। और ये पूरा बैकग्राउंड देखो, बस यही है सांभर शाकंभरी माता जी के। आप आओगे ना तब ये आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार यहाँ गाड़ी रोक के बढ़िया फ़ोटो खिंचवाना, पर लेकिन आपको ये वाला मौसम नहीं मिलेगा। इस मौसम के लिए तो आपको दोस्तों आप है ना पीछे देख सकते हो क्या शानदार मौसम हो रखा है और बहुत ही आनंद आ रहा है। और आप बरसात में आना, और आपको पीछे की तरफ देखो फूड कोर्ट भी दिख रहा होगा, ये आपको रास्ते में दिखेगा, कैंप सांभर रिसोर्ट। और ये पीछे पूरा ना सांभर झील दिख रही है आपको, तो इसका भी आप आनंद ले सकते हो। लेकिन आप आना, टाइम निकाल के आना, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कितना कब टाइम हो जाएगा। तो चलिए अब आपको सीधा दर्शन करवाते हैं शाकंभरी माता के। अभी इन्होंने गेट बंद नहीं किया, ये देखो ये इनकी लापरवाही है। ये होते हैं छोटे बच्चे साथ में लाने का नतीजा। तो दोस्तों ये रोड है, बन रही है, अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और सामने थोड़ी सी दूर पे ही है मंदिर है। और ये साइड की लोकेशन देखो आप, को देखो आज क्या बरसात हुई है, इस वजह से रोड थोड़ी खराब है। और गाड़ी की हालत देखो, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं माता जी के मंदिर पे। और जो ये आपको सामने दिख रहा है ना,
ये तो है माता जी का मंदिर, और जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके राइट साइड में जा रहा है भैरव मंदिर की तरफ रास्ता, और जो कि बहुत ही शानदार है दोस्तों। और मैं आपको दिखा दूँ वो है सामने भैरव मंदिर, ये वाला। अभी क्या बारिश कम है, नहीं तो अगर यहाँ पे पानी भर जाता है ना पूरा, तो ऊपर से अपन जा नहीं सकते। और ये आगे आपके सामने कुंड, ये कुंड है, और इस कुंड में आप डुबकी लगा सकते हो। पंडित जी तो दोस्तों यह है माता जी का मंदिर, और ऐसा बताया जाता है इनके पीछे जो गुफा है माता जी के मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ, वो जाती है अजमेर की तरफ। और यहाँ माता जी ने प्रसाद ले लो, महाराज। मैं तो ये पूछ रहा हूँ माता जी के बारे में, जैसे इनके पीछे गुफा बताते हैं। हाँ है, अभी भी है क्या? है, उस पर अब काटला हुआ है। तो अभी जो पिछली नवरात्रा को जो मेला भरा था, कैसा रहा था? मतलब अच्छा था, कितने श्रद्धालु आए थे? बहुत, अब कितने बताए, रोज के 5,000-7,000 सातों जात की कुल देवी है पहले बात तो। हाँ। और उसके पहले ये प्रश्न है कि वासुदेव चौहान हुआ था, वासुदेव चौहान, हाँ, उसने तपस्या की और वर मांगा, जो नमक जो दिया वो दिखा हुआ दिख रहा है, वो भगवती की देन है। और 1500 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, 600-600 वासुदेव चौहान, नहीं मतलब शाकंभरी नाम कैसे पड़ा? ऐसे बताते हैं तीन वो है पूरे इंडिया की, तीन कुल देवी है, मतलब शाकंभरी के तीन मंदिर है माता जी की। सबसे प्राचीन ये, और सब मंदिरों में पाषाण की मूर्ति हो सकती है। अच्छा, जैसे और भगवान की जो अपने पत्थर की बनाई बुनाई मूर्ति होगी, ये मूर्ति पाषाण की नहीं है। हाँ। ये स्वयं प्रादुर्भाव पहाड़ का हिस्सा है, पहाड़ का हिस्सा, पहाड़ घोड़ा निकला था। और जो अजमेर के राजा थे पृथ्वीराज सिंह चौहान, पृथ्वीराज चौहान तो बाद में हुआ है, उनसे पहले की है ना, वासुदेव बहुत पहले, वासुदेव में गोग चौहान हुआ। हाँ। गोगराज चौहान की कुल देवी है, वासुदेव चौहान की कुल देवी है, और लेटेस्ट में पृथ्वीराज चौहान तो अभी 500 साल ज्यादा ज्यादा 2-3-4 साल हुए, मतलब 1500 साल पहले की मूर्ति। और ऐसा बता दें पीछे गुफा बता निकलती थी, पूर्वज कहते हैं कि पूर्वज जो अपने हमारे पूर्वज ये कहेंगे जैसे, तो कलकत्ता जोमने ज्वालामुखी सांबर की सम्राट, कलकत्ता की कालिका तीनों ज्योत सवार, हमारे गुरुजी कहते कि तीनों समान। ये तो बहुत फेमस वो है, है कई एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया है, आया है। हाँ। अब जैसे कहते साहब शाकंभरी श्याम जी खाटू का मंदिर, पहला मंदिर खाटू में ही है। हाँ। अब आज कई जगह मंदिर बन रहे हैं, अब वहाँ मान्यता बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाई वहाँ के है, मेन तो कह रहेगा खाटू श्याम जी खाटू स्थान। उसी प्रकार अब इसके मंदिर महाराष्ट्र में बहुत बन रहे हैं। तो महाराज आपका नाम? मेरा नाम महेश कुमार व्यास। महेश कुमार, आप कितने साल से हो यहाँ पे? जन्म से, जन्म से हमारे पूर्वज यहाँ है, हमारे परदादा दादा परदादा ये सब जन्म से, मतलब पूरी पीढ़ी मतलब सेवाई कर रहे हैं माता जी की। आरती दिखाते हैं माता जी की, और अभी थोड़ी देर में आरती होगी तो आरती के दर्शन करो।
ये आपके सामने ये दिख रहे हैं, ये कल्प वृक्ष है, एक तो ये रहा और ये एक ये रहा, जो कि ऐसा बताया जाता है तो बहुत पुराने वृक्ष है ये, कल्प वृक्ष बोलते हैं इनको। अभी तो क्या पतझड़ का टाइम चल रहा है, इस वजह से ये थोड़ा मुरझाए हुए हैं, लेकिन बाद में आप देखोगे ना बहुत घने मिलते हैं, बहुत पुराने वृक्ष है ये। और ये देखो मंदिर, अब मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों हवा बहुत बढ़िया चल रही है, आपको आवाज़ कम आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, अब मैं जा रहा हूं, सामने भैरू जी का मंदिर है, माता जी के दर्शन करने के बाद आप सीधे जाओ भैरू जी के। और अभी क्या पानी का स्तर कम है, जो कि आप देख सकते हो, इस वजह से मैं आपको दर्शन करवा दूंगा अभी। महाराज इन थोड़े को ज्ञान दो। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको मंदिर के दर्शन करवा दिए हैं, और वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये बोतल हम कैसे प्रसाद में बांट देंगे, कोई दिक्कत मत लेना आप, आपके दिमाग में बहुत चीज बातें आ रही होंगी। तो ओके, नए वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, इसलिए ओके बाय। We'll be right back.